हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात का टाइम है, रात का ठीक बज रहा है 1:30। तो अभी आज है आरना का बर्थडे, तो उसी के लिए जो यहाँ पर है थोड़ी सी डेकोरेशन चल रही है। सोचा कि अभी कर देते हैं, आरना को कल सरप्राइज़ मिलेगा। और ये जो बलून्स जो है वो आरना की ड्रेस से मैच है, मैचिंग से ही हमने किया है। और आरना के ये 4 गिफ्ट रखे हैं क्योंकि आरना 4 साल की हो गई है आज। और बस अभी हम यहाँ पे तैयारी करते हैं, तो सोचा कि चलो अपना व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो बस मैंने शूट कर लिया था और आप सबको मैं बाद में ही डेकोरेशन दिखाऊंगी कि कैसे की है। बहुत सिंपल की है बट अच्छी लग रही है। और यहाँ मेरे भाई बहन और भतीजा आया था, तो उन दोनों को ही मैंने यहाँ बुलाया था और किसी को मैंने नहीं बुलाया था, क्योंकि घर में ही बनाना था। इसलिए जो है मैंने ना आरना की मौसी और दर्श को ये बहुत ज़्यादा ही याद करती है, हमेशा दोनों को ही याद करती है, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को ही बुलाया था यहाँ पर। और बाहर आए हैं दोनों खेलने के लिए, और मुझे ना मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे ना कुछ सामान लेना है, तो सोचा इन दोनों को भी लेकर चली जाती हूँ, तो थोड़ा सा ही अपना बाहर खेल भी लेंगे और जो सामान है मैं वो भी ले लूँगी जाकर। तो बस यहाँ थोड़ा सा खेल के घर चले गए थे। जब मैं बाहर से आई थी तो आरना के पापा ने एक गेम बनाया हुआ था दोनों के लिए, जो आपने शो देखा होगा ना, आईओ पीओ शो, तो उसमें ये गेम था। उन्होंने सोचा कि चलो इन दोनों के लिए एक गेम तैयार किया जाए। अभी हम बाहर से आए हैं और आरना के कपड़े चेंज करवा दिए हैं, ये दर्श है। तो आज आरना का बर्थडे है। जब हम आए थे ना तो आरना के पापा ने यहाँ पर एक गेम तैयार किए इन दोनों के लिए। अगर आप सब आयु पीयू शो देखते होंगे ना, तो उसमें ये वाला गेम था। और ये गेम वाला। अच्छा, दर्श देखते हैं। दर्श बताओ कौन सा वाला? नया वाला सोफा आया था। अच्छा, जब उनका नया सोफा आया था, इसका मतलब दर्श बहुत देखते हैं ना दर्श। तो आप सब हाई कर दो, दोनों हाई करो। हाँ, हाँ, तो चलिए गेम को शुरू करते हैं, ठीक है ना? अभी तो आरना के लिए सरप्राइज। चलो हम अब गेम को शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। फर्स्ट टर्न है, आरना का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और सबका 3 दिन बाहर होगा, ठीक है ना? 3 चीजें आपको मिलेंगी, 3 आपको मिलेंगी। अगर नीचे की जाएगा तब भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या? अगर नीचे आपके फिर से वो आ जाएगी, डैन आ जाएगी, ठीक है ना? अगर नीचे गएगा तब भी डैन आ जाएगी। आराम से करो, फर्स्ट बार। रुको, बताओ किधर है? हाँ, क्या मिलेगा आरना को? शॉर्ट्स, ये आरना। ओके, दर्श की बारी। चॉप नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, नहीं 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 फ्रूटी वो बीच में है। देखो, नहीं नहीं वो वही है ना, इधर एक क्रॉस नहीं हुआ ना, ये क्रॉस नहीं हुआ। फ्रूटी आलू, ये क्या कर रहे हो? नाम ये 3, एक पीरे है और ये है आरना का ओरियो शॉर्ट्स और नटकट। दर्श अपना बताओ प्राइस क्या है? मेरा है 30 रोटी और यम्मी यम्मी पॉपकॉर्न। तो 3 आरना के हैं, 3 हैं दर्श के, और 2 बचे थे वो है आरना के पापा के।
तो बच्चों की गेम तो ख़त्म हो गई है और उन्होंने खूब खूब इंजॉय किया इस वाले गेम को, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी इनके साथ खेलूँ, मुझे भी थोड़े बहुत गिफ्ट मिल जाए। और शाम का टाइम हो गया था, 6:30 हो गया था, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चाय का पानी मैं रख रही हूँ। उसके बाद भाई भी आ गया था, तो उसके लिए भी मैंने एक कप चाय मैंने बना के रख दी थी, तो वो भी आ गया था। क्योंकि सुबह जो मेरी बहन आई थी ना, उसी के साथ आई थी, क्योंकि उसको ऑफिस यहीं पर है, तो वो यहाँ कर उनको छोड़ दिया था। और अब मैं खाने में बना रही हूँ शाही पनीर और गोभी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता, तो इतना ही बनाऊंगी। और हाँ, हलवा, क्योंकि हमारा फास्ट है, मेरी बहन का भी फास्ट है, तो बस बच्चे हैं और मेरा भाई है, तो इन दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और हम जो फास्ट जिस मतलब सबने जो फास्ट रखा हुआ है ना, उनके लिए आलू, सॉरी आलू कह रही हूँ, पूड़ी और हलवा ही हम खाएंगे। तो बस अभी यहाँ पर जो है मेरी पूड़ी भी बना रही हूँ, सब्जी बन चुकी है, आपके साथ शेयर नहीं किया है मैंने, तो बस जल्दी जल्दी था इस वजह से। तो अभी हमने सोचा कि पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही जो है हम केक की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए, सबने खाना खा लिया है और वो किचन की हालत थी, और मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि बहुत सिंपल की है, बट आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। बहुत सिंपल है, और ये जो बलून लगे हुए हैं आरना की ड्रेस से मैच से लगे हुए हैं, मतलब उसी के जो ड्रेस है वही है, इसी कलर की है। तो बस थोड़ा सा ही सिंपल सा हमने डेकोरेशन किया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आरना की एंट्री हो गई है, और पता है सुबह से इस वाले रूम में आने की बहुत कोशिश कर रही थी कि जाना है, बट उसको हमने किसी न किसी तरीके से रोका, और जब वो आई ना तो बहुत खुश हुई थी। तो ये है आरना की आज की ड्रेस, और ये जो केक रखे हैं ना, एक हमें ना मतलब क्या, हमने जो केक एक तो हमने ऑर्डर करवा दिया था, जो दूसरा केक आया था ना, हम कह रहे पता नहीं किसने दिया है, मतलब किसने भिजवाया है केक, समझ ही नहीं आ रहा था किसने भिजवाया है। फिर हमने उस बॉक्स पे देखा, तो ये मुंबई से जो हमारी जो मेरी जो ननंद रहती है मुंबई में, ये उन्होंने आरना के लिए केक भिजवाया था, मतलब ऑर्डर करवा दिया था, तो वो सही टाइम पर आ गया था, जिस टाइम पर हमें केक काटना था उसी टाइम पर आ गया था। और बस यहाँ केक कटिंग हो चुकी है, आरना को सारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं, तो थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह हम करवा रहे हैं। और पता है इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा ही थकी हुई थी ना, एक तो फास्ट, ऊपर से फिर आरना का बर्थडे, तो मेरी हालत ही आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, इन्जॉय किया सब ने, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है भाई, तो बस अभी खाना वगैरह खा के कटिंग भी केक कट भी हो गया है, केक भी खा लिया सब ने, तो ये सब भी निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम 8:15 हो चुका था, और जाते जाते भी बहुत टाइम हो जाता है ना, लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक मिलता है, इसलिए तो ये घर पहुँचे 9:30 बजे। मैंने अपना ये वाला गिफ्ट खोल लिया है, और ये घर से आया है गिफ्ट, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, क्योंकि ये खुला हुआ है, खुल गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी है, और बाकी जो हमने गिफ्ट दिए है ना, देखिए देख लीजिए भैया आने का गिफ्ट। और अभी आपको सारे गिफ्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं, फ्री हो गए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको क्या क्या दिया है, ठीक है। ये देख रहे हैं कपड़े रखे हुए हैं, और बारिश अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो गई थी, तो बाहर से कपड़े उतारे, और मैं घर के कामों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर जो मैंने कपड़े वॉश किए थे संडे को ना कल, तो वो बाहर ही थे, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। फिर एकदम से आवाज आई कि बारिश हो रही है, फिर मैं बाहर देख रही कि कितनी तेज हो रही है, जब देखा ना कि कपड़े रखे हुए, फिर उनको फटाफट उतारे, अभी तय नहीं लगा रही, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और जो गिफ्ट है ना, आरना सो गई है, वही खोलेगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, बट थक गई हूँ बहुत ज्यादा, आरना सो गई है, और एक मिनट मैं जाना ना, ये शायद बोला, अब आपको डेकोरेशन दिख रही है ना, ये हमने रात को ही कर ली थी, तो हम रात को सोए हैं 3 बजे करीब सोए हैं रात को। और देखिए ये गिफ्ट, देखिए ये रहे गिफ्ट, जो खुला हुआ था वो आपको दिखा देता, आरना खेल के सो गई है, और बाकी के जो है अभी पैक है, तो ये खुले नहीं है, जब आरना उठेगी ना, मतलब जब खोलेगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या हमने दिया है उसको। और देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, जो कढ़ाई है ना उसमें तेल रखा हुआ है, तो अभी
तेल को भी मुझे किसी दूसरे बर्तन में करूंगी और बस इसको मुझे खाली करना है। बाकी उसमें मैंने एक कप अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, जिस सिर में दर्द हो रहा है। बस वही है ना कि रात को लेट सोए हैं तो सोएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं अगर वीडियो एडिट होती है तो कर लूँगी, नहीं होती तो फिर सुबह ही हो पाएगी, होगी तो ठीक है। बस यही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज। ज्यादा वाइट आ गया ना। अरे बिंदी कहाँ लग गई है, ध्यान ही नहीं दिया, फूल गई। चलिए वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आपके साथ मैंने अपना अपना क्या वो मतलब बर्थडे स्पेशल व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। गिफ्ट तो मैं आपको बाद में दिखा पाऊंगी, मैं नहीं खोलूंगी, आरना ही खोलेगी। और एक और चीज़, आरना की बहुत अच्छी बात है, मतलब उसने सारे गिफ्ट नहीं खोले। जैसे और बच्चों इतने गिफ्ट को देखकर कहते कि ये भी खोलो वो भी खोलो, वो ऐसे नहीं करती है। उसने एक एक खोला, खेला उसको और उसने बोला कि ये मैं बाद में खोलूंगी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।